अभी इसके बाद दो रैपिड है, दो रैपिड क्रॉस होने के बाद चल जाना ऐसे, पर अभी मत जाओ। गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। गाइस आज का जो टूर होने वाला है हमारा ऋषिकेश का होने वाला है, जो कि दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। और अभी जस्ट हमारा जो लास्ट टूर था वो था साउथ का। मुझे यकीन है कि आपको साउथ का जो टूर था वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बट वो टूर जो मैंने ट्रैवल किया था वो ट्रेन से किया था, ठीक है। तो ये वाला जो टूर है मेरा बाइक से खुद से होगा, सेल्फ राइड करके जाऊँगा मैं। और ड्राइविंग करते करते हम दिल्ली से ड्राइविंग करते करते ऋषिकेश पहुंचेंगे, ठीक है। और ऋषिकेश के जो फेमस प्लेसेस है वो हम घूमेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और अभी हम हाईवे पे हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाईवे कुछ जगह अच्छा है और कुछ जगह ख़राब है। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखना, ताकि जिससे आपको अगर आप कभी भी अपना प्लान करते हैं कहीं पे अच्छी जगह घूमने जाने का ऋषिकेश, तो वहाँ पे आपको अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। तो गाइस सबसे पहले जो बता दूँ आपको, दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी है वो 250 किलोमीटर है मात्र, ठीक है। और अगर बात करें पेट्रोल की, अगर आप बुलेट से जा रहे हैं तो पेट्रोल जो है आपका 3000 के अराउंड आपका अप डाउन हो जाएगा पेट्रोल का बुलेट से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और रूम जो है वहाँ पे धर्मशाला अवेलेबल है, आप वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो सफ़र है पूरा 8 से 9 घंटे का होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप आराम करते हुए भी जाएंगे तो 9 घंटे में आप ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। और हमने जो ये कम्प्लीट कराया राइड, ये 6 घंटे में कराया दिल्ली से ऋषिकेश का, ठीक है। 6 घंटे में हम ऋषिकेश में एंटर हो चुके थे और अभी हम ऋषिकेश में ही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो रोड है ये ऋषिकेश का ही है, ठीक है। और दिल्ली में थोड़ा ठंड था तो इस वजह से मैंने जैकेट ले ली थी, क्या पता मुझे लग रहा था कि वहाँ पे भी ठंड होगा, तो क्योंकि मौसम थोड़ा अचानक से बदला सा है इस वजह से मैंने जैकेट ले ली, ठीक है। और रोड आप देख सकते हैं कैसा, कितना शानदार रोड।
गाइस ऋषिकेश पहुँचते ही सबसे पहले हमने रिवर राफ्टिंग का चूज़ करा, ठीक है। 700 रुपये पर पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, रिवर राफ्टिंग का। और ये पीक टाइम जो होता है आपका जून का, उसमें थोड़ा सा इसका रेट जो है हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम रिवर राफ्टिंग के पास हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, ठीक है, क्योंकि बैटरी कम थी और हमारे पे चार्जर था नहीं। तो हमें सेम डे में रिवर राफ्टिंग करना था। हम रिवर राफ्टिंग की राफ्टिंग बोट पे हम चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो ये सारे बाहर के लोग हैं जो कि हरियाणा से आए हैं राफ्टिंग करने, ठीक है। और ये हमारे साथ राफ्टिंग करेंगे, इन्हीं के साथ हमारी जर्नी होने वाली है पूरी। ये जो एडवेंचर होगा इनके साथ हम करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे पास अभी गोप्रो है और मैं गोप्रो से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो, क्यों? क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर आप आते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो मैं सब कुछ से पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3 बजे से पहले पहले रिवर राफ्टिंग अपनी कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद जो पानी है वो और ठंडा होने लग जाता है, ठीक है। तो हमारी राफ्टिंग जो है अब स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे रैपिड आएंगे, हम उसको इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, काफ़ी अच्छा होने वाला है वीडियो ये। आगे जब रैपिड आएगा उसके बाद चल जाना, भी पास रहो आपके। अभी इसके बाद 2 रैपिड है, 2 रैपिड क्रॉस होने के बाद चल जाना है ऐसे पर। अभी मत जाओ, रुक जाओ। हेलमेट निकाल दूं ना? पैर ही लाओ, पैर साइकिल करो, पैर का ये आ जाएगी 2,000-2,500-3,000 तक लोकल वाली। ये वाली तो 4,000 की है यार, 4,000 का कर दे खर्चा, काम में जी सा जाएगा, मजा आ जाएगा, तू सस्ते में करवाता हूँ।
और अभी इतने सारे रैपिड करने के बाद, पानी में उतरने के बाद काफ़ी मज़ा आया। गाइस, ये जो पूरा आपका शिवपुरी से लक्ष्मण झूला का जो ये रिवर राफ्टिंग है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग टू एंड आपका 2 से 3 घंटा टाइम लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। और अभी हम एंडिंग पॉइंट पे हैं और अभी हम ऋषिकेश के टाउन एरिया में एंटर कर चुके हैं और अब हमारी यहाँ जर्नी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और अब हम ऋषिकेश आ चुके हैं, इसके बाद हमारा जो सेकेंड टूर होने वाला है वो होता है गंगा आरती। ऋषिकेश पहुँचते के साथ सबसे पहले जो मेरे को सबसे ज़रूरी मेरे को लगता था वो ये था कि भाई मेरे को गंगा आरती देखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गंगा आरती होती है वो लोकप्रिय है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो गंगा आरती होती है, और जो गंगा आरती से पहले का जो पूरा मार्केट है, ठीक है, वो मार्केट तो और लाजवाब है, ठीक है। अगर आप कभी भी आते हो यहाँ पे तो एक बार यहाँ की जो गंगा आरती है उसको देखना मिस ना करें, ठीक है। बहुत अच्छा डेवलप करा गया है और मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ पूरा एरिया, ठीक है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे गंगा आरती में, काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे गंगा आरती को देखने का, ठीक है। बहुत बेहतरीन ये लम्हा है। और अगर आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे शाम के टाइम पे 6 बजे से यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल चूज़ कर लें, ठीक है। ऋषिकेश से जो इसकी गंगा आरती की दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला से, और ज़्यादा दूर नहीं है और पास ही है, और समय समय पे आपको ऑटो मिलता रहेगा। तो अगर आप कभी भी आते हैं तो राफ्टिंग और गंगा आरती, ये जो दो मेन चीज़ें हैं, इनको ज़रूर आप देखें ऋषिकेश में, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा शांति मिलेगी आपको, ठीक है। कभी भी आएँ यहाँ ज़रूर आएँ, ठीक है। और आज हमारा आखिरी दिन है, आज ही हम यहाँ पर ऋषिकेश में आए थे और आज हमें यहाँ पर नाइट में स्टे करना है, ठीक है। हमने छोटा सा एक धर्मशाला लिया है और धर्मशाला इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है और मात्र 300 रुपये उसका वो किराया है। और उसके बाद कल मॉर्निंग होते ही हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सुबह होते के साथ ही हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, टूर काफ़ी अच्छा था, हमने काफ़ी अच्छे से टूर को इन्जॉय करा और काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राइविंग करी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।